नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SCJ टेक्निकल गार्डनिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा विंटर सीजन के फ्लावर्स और कितनी अच्छी यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और बीच बीच में स्किप ना करें। अच्छे से अच्छे फ्लावर मैं आपको दिखाऊँगा और आप इसको देखें और इसी प्रकार से आप भी अपने घर में फ्लावर्स उगा सकते हैं। दोस्तों, ये एक्जोरा का प्लांट है, ये कम से कम 4 साल पुराना एक्जोरा प्लांट है और इसमें कितने अच्छे प्यारे फ्लावर्स आए हैं। यह दोस्तों, ये एक्जोरा का प्लांट है, ये कितना अच्छा फूल आ रहा है इसके बंच में और इतना प्यारा लग रहा है। और एक्जोरा है ये और कितना अच्छा फ्लावर हो रहा है ये। और इस साइड में ये गुड़हल का फ्लावर है, ये वाइट गुड़हल है और हिबिस्कस फ्लावर, तो ये भी यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर भी एक गुड़हल का फ्लावर है, ये देसी गुड़हल है और ये एक प्लांट है और इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। अभी कुछ नहीं हो रहा है लेकिन इसमें अभी ये बड्स निकल रही हैं और जब इसमें फ्लावर बनेगा तो ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देता है। दोस्तों, इस साइड में ये है बेलपत्र का पौधा और बेलपत्र भी अपने घर में लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है और ये बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रो कर रहा है, एकदम हेल्दी हो रहा है और फैल रहा है। और इधर जो है ये गुलाब का पौधा है, ये रोज़ फ्लावर है और इसमें ये फ्लावर भी आए हैं और ये भी गमले में लगा रखा है, इसको ज़मीन में लगाने से और अच्छा होता है दोस्तों। और ये भी एक कोई घास है, लहसुन की तरह स्मेल आ रही है इसमें, मैंने देख लिया है। इसको सब्जी में जब तड़का लगाते हैं उस समय इसको डालते हैं और बहुत अच्छा बॉडी के लिए, अच्छा हेल्दी है ये। और ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है गमले में, ये भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट है और स्ट्रॉबेरी भी इसमें अभी तो नहीं आई हैं लेकिन ये अभी 5-6 महीने का है, नर्सरी से लाए थे और यहाँ पर ये लगा रखा है इसको। और ये भी एक गुड़हल का, ये फिर एक हिबिस्कस है, ये दूसरे टाइप का पिंक कलर का है और बहुत अच्छा हो रहा है ये इतना बड़ा है दोस्तों, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ और इतना अच्छा हेल्दी हो रहा है। ये कैक्टस का है, इसमें भी ये अभी रेड फ्लावर्स आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में ये अपने फ्लावर का कलर चेंज कर देता है, गर्मी में इसके फ्लावर का रंग जो है वो पिंक कलर का हो जाता है और अभी एकदम डार्क रेड है। दोस्तों, ये भी फ्लावर्स हैं और इधर ये लेमन ग्रास है, इसको चाय में डालते हैं, ये बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। और इस साइड में दोस्तों, यहाँ फिर आपको दिखाऊं मैं, ये गेंदे के फ्लावर्स हैं, ये पूरा यहाँ पर रखे हुए हैं और ये हाइब्रिड गेंदा है और बहुत अच्छे अच्छे बंच में ये फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों, ये इसका ओवरव्यू था गार्डन का और ये विंटर फ्लावर्स हैं और आपको ये अच्छा लगा होगा और ख़ासकर एक्जोरा प्लांट पर, ये एक्जोरा के फ्लावर्स फिर मैं आपको फोकस करता हूँ और बहुत अच्छे फ्लावर्स इसमें हो रहे हैं ये। और इधर एक बिल्ली भी इधर है, एक कैट, ये चल रही है, ये कैट चल रही है दोस्तों, दो बिल्लियां हैं यहाँ पर और प्यारी प्यारी, ये चली गई हैं, ये भाग रही हैं, खेल रही हैं ये दोस्तों, ये चली गई हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।